Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to discuss about child labor and health scenario in India. Okay, so this is chapter 20.12. Make sure that you have also watched my previous videos, they are equally important, and do subscribe to the channel also so that you can get the notification whenever I upload the video, you will get immediately. So press that bell icon also, and let's move further. Child labor के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो देखिए, despite several steps, इंडिया ने कई सारे steps लिए हैं child labor के related, इसको खत्म करने के लिए, लेकिन अभी भी child labor बहुत ही forms में अभी भी हमारे country में अभी भी exist करता है, ठीक है? बहुत सारे forms में है. एंड आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा एक बच्चा काम करते हुए, अभी भी आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा चाय के दुकान पे, या फिर यू नो बीड़ी बेचते हुए कई सारे ऐसे मिलेंगे बच्चे. दिस इज़ ऑल फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. सो क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्या हो सकता है? वी नीड ऑफ ए मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है, विच कैन रिहेबिलिटेट चिल्ड्रेन विदड्रॉन फ्रॉम वर्क थ्रू स्पेसिफिक स्कीम्स एंड यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन. तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे जिनको हमने निकाला है ऐसे जगह से, रेस्क्यू किया है, ठीक है, उनको हम रिहेबिलिटेट करेंगे. उनको कैसे करेंगे? बहुत सारे स्कीम्स से, स्पेशली एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, बहुत सारे स्कीम्स के द्वारा इनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है, ठीक है. नेक्स्ट, और क्या नीड है? तो वी नीड बेसिकली सप्लीमेंटेड विथ इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन ऑफ द फैमिलीज ऑल्सो. तो होता क्या है, कई बार देखा जाता है कि बच्चे को जिस फैमिली से कोई बच्चा है और उसको रेस्क्यू किया गया है, और रेस्क्यू करने के बाद दोबारा वापस उसी फैमिली को देते हैं, तो वो फैमिली अगर गरीब है, इकोनॉमिकली वो साउंड नहीं है, तो वो फिर से उस बच्चे को उसी काम में लगा देती है. तो नॉट ओनली बच्चा, इट ऑल्सो नीड्स दैट फैमिली का इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन भी होना चाहिए. उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दे देनी चाहिए ताकि एटलीस्ट ये चाइल्ड लेबर ख़त्म करे ऐसे लोग, ठीक है. कई लोग जानबूझ के करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मोस्ट ऑफ द फैमिलीज दोज हु जो अपने बच्चे को लगाते हैं चाइल्ड लेबर के लिए, तो वो ज़्यादातर देखा जाता है कि इकोनॉमिकली साउंड नहीं होते हैं, ठीक है. तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे स्टेप्स लिए जा सकते हैं. देन 2015 में एक प्रोजेक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, ठीक है. ये एक स्कीम था, इस स्कीम के अंतर्गत जो रेस्क्यूड या फिर विड्रॉन चिल्ड्रंस हैं जिनका एज ग्रुप 9 से 14 साल के बीच का होगा, उनको इनरोल किया जाता है इस स्कीम में फॉर द स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स. मतलब ये स्कीम में स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे जो बच्चे 9 से 14 साल के रेस्क्यू किए जाते हैं, जिनको निकाला जाता है चाइल्ड लेबर से, उनको यहाँ पे इनरोल किया जाता है. क्या करते हैं बच्चे वहाँ पे? इनको प्रोवाइड किया जाता है एजुकेशन, ठीक है, ब्रिज एजुकेशन जिसको कहते हैं. मान लो कि जो बंदा चाइल्ड लेबर कर रहा है उसका एजुकेशन बहुत ही पुअर होगा, तो डेफिनेटली ही रिक्वायर्ड सम ब्रिजिंग इन एजुकेशन, तो उनको ब्रिज किया जाता है एजुकेशन, ठीक है, वहाँ पर प्रोवाइड करके. वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है, मिड डे मील भी दिया जाता है, तो खाने पीने का, न्यूट्रिशन का भी यहाँ पे है. स्टाइपेंड दिया जाता है, हेल्थ केयर दिया जाता है. तो ऐसी चीज़ें देकर इनको तब तक दिया जाता है जब तक कि ये रेडी ना हो जाएं कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन ज्वाइन करें, मेन स्ट्रीम एजुकेशन ज्वाइन करें, ठीक है. मेन स्ट्रीम एजुकेशन मतलब जहाँ पर किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं, बंदा इतना इम्पावर्ड हो जाएगा कि वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन ज्वाइन कर सकता है. लेकिन एक बच्चे को जो 9 से 14 साल के बीच का है, सीधा अगर उसको रेस्क्यू करके अगर आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन में डालोगे तो उसको उसका बैकग्राउंड नहीं रहता, तो जस्ट एक बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए ये स्कीम है, ठीक. नेक्स्ट, एज ग्रुप 5 से 8 साल वाला अगर कोई रेस्क्यू किया जाता है तो उसको डायरेक्टली फॉर्मल एजुकेशन में लिंक कर दिया जाता है, बिकॉज ये ऐसा एज ग्रुप है 5 से 8 साल जहाँ पर डायरेक्टली लिंक किया जा सकता है फॉर्मल एजुकेशन में. इतने एज में ही बच्चे ज्वाइन करते हैं इनफैक्ट, तो सिस्टम थ्रू क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्व शिक्षा अभियान. तो सर्व शिक्षा अभियान हमारे कंट्री में है, जहाँ पे बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाता है 6 to 14 ईयर्स वाले बच्चों को. तो यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान वाले में इनको इनरोल किया जा सकता है सीधा.
गवर्नमेंट ने प्रपोज्ड अमेंडमेंट लाया है इन द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में. इसमें क्या है, यहाँ पे सरकार ने जो प्रोविजंस लेके आए हैं, जो प्रपोज्ड है, अभी पास नहीं हुआ है, वहाँ पे कहा है कि कंप्लीट प्रोहिबिशन होना चाहिए ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स. हर तरीके से किसी भी फॉर्म में उनको नहीं लेबर करा सकते हैं, ऐसा कंप्लीट होना चाहिए. अलॉन्ग विद द लिंकिंग ऑफ द एज ऑफ प्रोहिबिशन विद द एज अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009. तो ये एक एक्ट है, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 वाला. इसके हिसाब से 6 से 14 साल के बच्चे को कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए, ये उनका राइट है. तो कहा जा रहा है कि ये जो प्रोहिबिशन है, कंप्लीट प्रोहिबिशन वाला, इसको बेसिकली इसके साथ ऐड कर देना चाहिए, ताकि एक तो वो बच्चा जो कहीं भी चाइल्ड लेबर कर रहा है, वो चाइल्ड लेबर ना करे और सीधा यहाँ पे उसको एजुकेशन मिल जाए, ठीक है, फ्री एजुकेशन. तो और इसमें बहुत सख्त प्रावधान रखे गए हैं कि अगर कोई इम्प्लॉयर है, बच्चों को इम्प्लॉय बनाता है, उनसे लेबर कराता है, तो उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट दंड दिया जाएगा, ठीक है, पनिशमेंट काफ़ी स्ट्रांग होगा उसका. देन देखते हैं अब हेल्थ सिनेरियो हमारी कंट्री में क्या है, हेल्थ का क्या सीन है हमारी कंट्री में, वो देख लेते हैं. तो देखिए, पहली बार जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात की गई थी ना हमारी कंट्री में देने की, वो की गई थी थ्रू द ड्राफ्ट अप्रोच पेपर. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्राफ्ट अप्रोच पेपर जो कि 12th प्लान का था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये आइडिया दिया गया था कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर होना चाहिए हमारी कंट्री में. लेकिन इसको इस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके ड्यू टू द फंडिंग सिचुएशन, ठीक है, फंडिंग सिचुएशन हमारा ठीक नहीं था. फंडिंग सिचुएशन डिड नॉट सीम कंड्यूसिव इनफ, दिस इज़ वाई द गवर्नमेंट डिड नॉट थिंक टू लॉन्च इट. तो गवर्नमेंट ने नहीं किया इसको लॉन्च. हाउएवर प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल, एक्सेसिबल जो कि पहुँच हो सके, एक्सेसिबल मतलब कि इन तीन वर्ड को समझिए, एक्सेसिबल मतलब क्या होता है, हेल्थ केयर की बात करें तो हर जगह पे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हो, सपोज वो कहीं गांव में क्यों ना हो, कहीं रिमोट प्लेस में क्यों ना हो, वहाँ पे भी हेल्थ केयर की फैसिलिटी होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेसिबल, लोगों के एक्सेस में हो. अफोर्डेबल, अफोर्डेबल मतलब कि इतना महंगा ना हो ताकि अफोर्डेबल ही ना हो, मतलब रीजनेबल प्राइसेस हो, उसको अफोर्ड किया जा सके. देन इक्विटेबल, इक्विटेबल मतलब कि बराबर बटा हो, ये सारा चीज़ कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो, इक्विटेबल हो, हर जगह बराबर हो, इक्विटेबल क्वालिटी हेल्थ केयर, ठीक है, देना चाहिए. मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये की ऑब्जेक्टिव रहा है हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है. हाउएवर प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल क्वालिटी हेल्थ केयर टू द मार्जिनलाइज एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. चैलेंजेस लेकिन बहुत सारे हैं, क्या क्या हो सकते हैं. पॉसिटी ऑफ रिसोर्स, सबसे पहले तो पैसे की कमी है, ठीक है, पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेस है. दूसरा सोशल एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे कि एज एट मैरिज, हमारे कंट्री में बहुत कम उम्र में भी शादियां हो जाती हैं, हालांकि 18 ऑफिशियल एज है, इससे पहले शादी नहीं कर सकते, कानून अपराध होता है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे 18 से कम के बच्ची का शादी किया जाता है, अभी भी कम्युनिटी लेवल पे होता है. न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा इशू है, न्यूट्रिशन हमारे बच्चों का, हमारे इनफैक्ट ओवरऑल पॉपुलेशन का ठीक नहीं है. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस आर माल नरिस्ट, माताएँ भी माल नरिस्ट हैं, ठीक है. देन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर नहीं है हर जगह पे, हाइजेनिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हर जगह पे नहीं है. तो ये सारे चैलेंजेस है जो कि हेल्थ सिनारियों को और भी वर्स्ट बनाते हैं हमारी कंट्री में. देन मिक्स है हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वो मिक्स है पब्लिक एंड प्राइवेट का. यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, और प्राइवेट प्रोवाइडर्स भी हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है, तो दोनों का मिक्स है हमारा. प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्वालिटी जो है उनका, केयर प्रोवाइड का, ठीक है, जो सर्विसेज वो देते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, उनकी क्वालिटी वेरिएबल है, मतलब वो वेरी करती है, डिपेंड करती है. इट्स रेंजिंग फ्रॉम इनफॉर्मल प्रोवाइडर्स, क्वेक्स जो होते हैं, इनफॉर्मल जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, टू इंडिविजुअली रन नर्सिंग होम्स, टू लार्ज पॉलीक्लिनिक एंड मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल्स. तो हर जगह पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग फैसिलिटीज़ है, अलग अलग केयर का क्वालिटी है, तो ये डिफर करता है. नेक्स्ट है रेगुलेशन फॉर कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ केयर इज लार्जली मिसिंग, ठीक, मिसिंग यहाँ पे लिख लो.
तो जो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं आप, प्राइवेट सेक्टर में जो कॉस्ट है या फिर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, यहाँ पे रेगुलेशन नहीं है सरकार का, लार्जली मिसिंग है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, ठीक है। तो ये एक बड़ा इशू है क्योंकि हर बंदा प्राइवेट का जो फैसिलिटी है अवेल नहीं कर सकता ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन, उसका पॉकेट अलाउ नहीं करेगा। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सर्विसेज आर डिलीवर्ड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। वो क्या क्या हो सकता है, एक तो आशा है, आशा एक ऐसा आशा एक वर्कर होते हैं, वॉलंटियर हेल्थ वर्कर होते हैं, ठीक है, एट कम्युनिटी लेवल काम करते हैं ये, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब लेडीज होती हैं। हेल्थ सब सेंटर्स होते हैं, प्राइवेट हेल्थ PHCs होते हैं, प्राइवेट सॉरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं हमारे गाँव घरों में, आपने देखा होगा। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ये भी आपने देखा होगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कभी देखा होगा आपने। गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जैसे PGI वगैरह, ठीक है, ऐसे कई सारे कॉलेजेस हो सकते हैं, ठीक है। देन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेड एम्प्लॉयज, स्टेट इंश्योरेंस के हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, डिस्पेंसरीज हो सकती हैं। तो ये सारी सर्विसेज बेसिकली पब्लिक सेक्टर से मिलती हैं। यहाँ पे भी क्वालिटी डिफर करता है मोस्ट ऑफ द PHCs वगैरह में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में या कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स में अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती, डॉक्टरों की कमी है, मेडिसिन्स नहीं मिलते, लैब के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए टेस्ट वगैरह के लिए वो भी नहीं अवेलेबल है। तो पब्लिक सेक्टर का जो हाल है वो प्राइवेट से भी बुरा है, लेकिन ज़्यादातर लोग पब्लिक सेक्टर को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि फ्री हेल्थ केयर मिलता है यहाँ पे, और बट क्वालिटी ठीक नहीं है। तो ये सारे इश्यूज हैं हेल्थ सिनारियों के। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को नए हो तो। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।